अब से 3 घंटे पहले आपको मैंने एक 11 मेंबर स्क्वाड बताई थी पाकिस्तान की, जो कि वर्ल्ड कप में पहला मैच खेलने जा रही है इंग्लैंड के इंडिया के साथ। वही 11 और उसके साथ एक एडिशनल प्लेयर बाबर आजम अनाउंस कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाबर आजम ने किया यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ICC के फेसबुक पेज के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद भी है, और उसके अंदर बाबर आजम ने बता दिया है पाकिस्तान की 12 मेंबर टीम जिसमें से आसानी से बन सकती है 11 मेंबर प्लेइंग 11, जो कि मैं आज की स्टूडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाबर आजम बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि रमीज राजा के साथ उनकी बातचीत हुई, उसके अंदर क्या मतलब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि रमीज राजा ने कहा कि जितना कम से कम प्रेशर ले सकते हो उतना कम से कम प्रेशर लो, काम और कंपोज रहो, काम रहने का रमीज राजा ने कहा उनको। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे होना चाहिए, पाकिस्तान के प्रेस को काम और कंपोज ही रहना चाहिए। ये तो हो गई यहाँ पर ये बात। उसके साथ उन्होंने कहा कि होपफुली हम पहले मैच को लेंगे और विनिंग मोड पे मगास करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट का, ये भी उनका कहना था। और साथ ही उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दिया वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन होगा, वो जरा आप लोगों ने सुननी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। स्टार्टिंग ऑफ प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो 12 मेंबर स्क्वाड बाबर आजम ने अनाउंस किया, उसमें बाबर आजम हिमसेल्फ, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, फखर जमान, शोएब मलिक, आसिफ अली, हैदर अली, शादाब खान, इमाद वसीम, हारिस रऊफ, शाहीन शाफरीदी, हसन अली शामिल है इस 12 मेंबर स्क्वाड जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है। और इसमें से एक प्लेयर जो कि नहीं खेलेंगे वो हैदर अली होंगे, और 11 पाकिस्तान कुछ ऐसे बनेगी और नंबर्स भी यही रहेंगे, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे, नंबर 3 पर फखर जमान होंगे, फिर हफीज होंगे, शोएब मलिक होंगे, नंबर 4 के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे स्क्वाड के अंदर, नंबर 6 के ऊपर, नंबर 4 डाउन के ऊपर आसिफ अली, फिर शादाब, इमाद, 3 पेसर्स हारिस, शाहीन और हसन अली। ये आपको पाकिस्तान की कंफर्म प्लेइंग 11 जो कि कल खेलेगी, अगर कोई इंजरी नहीं होती है ये प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, जो कि बाबर आजम भी आज अनाउंस कर चुके हैं। बाकी उन्होंने कहा कि 11 जो हम कल ही बताएंगे। कमिंग टू द मेजर थिंग, मतलब मेजर तो ये थी, कमिंग टू द सेकंड थिंग, बाबर आजम की आज वीडियो अपलोड हुई ICC के फेसबुक पेज के ऊपर, जिसमें सारे कैप्टन ने अपनी अपनी प्रेडिक्शन दी। तो बाबर आजम ने प्रेडिक्ट किया है कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी और एक फाइनल टीम इंग्लैंड होगी। मेरा कहना है बाबर आजम को कहना चाहिए था पाकिस्तान खेलेगी और पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड होगी, ऐसा ही डेविड वॉर्नर ने किया। डेविड वॉर्नर का एक्सपेक्ट अस इट वुड बी वेस्ट इंडीज, बाबर आजम को भी ऐसा करना चाहिए था। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको 3 घंटे पहले यही बाहर अपनी टीम बताइए जो बनाउंस हुई है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।